What's up, guys? This is Mr. Ray. Okay, so एक्चुअली सीन ये है कि आज एक बड़ा सीन है, बहुत अच्छा सा. सो मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, तो इट्स अ सरप्राइज. सो यू हैव टू वॉच द वीडियो एंड जस्ट सी वेयर इट्स गोइंग. सो आई विल सी यू इन अ बिट. ओके, तो भाई ये सीन है आज. एक्चुअली मोटो मनियाक वाले जो हैं उनकी अभी नई ओपनिंग है और दे हैव चेंज देयर लोकेशन एंड इट्स क्वाइट अ बिग लोकेशन नाउ. सो आई विल शो यू द शॉप नाउ, राइट नाउ. अशरफ भाई भी आए हैं. नहीं, एक्चुअली ये नया इनका वर्कशॉप है मोटो मनियाक का एंड इन्होंने मुझे इन्वाइट किया था. और सेकेंडली ये कि मुझे कवर करने को बोला है इस बार. दिस इज़ अ शर्ट सीनर. तो अभी के लिए फिलहाल यही सीन है. शॉर्ट्स आपको दिखा दिए हैं. अभी गेट टुगेदर करेंगे लोग, फिर लंच होगा हमारा, थोड़ा इन्जॉयमेंट होगी, अच्छा लगेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी. एल एस सी कहाँ तक जाता है पूरा सीन. तो राइट नाउ अभी 1:35 हो रहा है और फिर देखें अब क्या सीन होता है. सो गाइस, मैं अंदर हूँ उनके ऑफिस में. और सेकेंडली लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने बताया था विकी भाई से इंटरव्यू हमने लिया था, वकार अली खान. तो आज मैं आपसे आपको शोएब भाई से मिलाऊंगा. लास्ट टाइम वो थे नहीं. सो हियर इज द मैन, ये हमारे शोएब भाई हैं. एंड शोएब भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास. तो शोएब भाई आपसे भी जस्ट लाइक दैट थोड़ा से सवाल जवाब करूंगा मैं. इस बार मैंने विकी भाई से लिया था. तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास. ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग की जो अभी नई नई ओपनिंग है तो फिर इसका आपका क्या कहना है? एंड मुझे सेकंडली एड्रेस बताएं जरूर, क्योंकि मैं लोगों को बताऊं ताकि आप लोग के पास वो लोग आए और आप लोग साथ. एड्रेस जो है शॉप नंबर 33 है, शमीम स्काई टावर, यासीनाबाद के अंदर एमपी एरिया पड़ता है. सही बात है. अच्छा सेकंडली लास्ट टाइम जो आप लोग का एक्सपीरियंस था पुरानी वर्कशॉप पे, वो कैसा रहा और इन फ्यूचर आप क्या सोचते हैं कि अब इस वाली वर्कशॉप पे आप लोग का क्या? वो हम लोगों ने बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट लिया था और अब हम लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जा रहे हैं. और इंशाल्लाह हमारा इरादा यही है कि ऐसे हम और आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर मोटो मैनिया को एक ब्रांड नेम देंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह दैट्स गुड, दैट्स गुड. एंड सेकंडली गाइस, आप लोग को मैंने लास्ट टाइम भी सेंड किया था और इस बार भी मैं आप लोग को वापस से फेसबुक पेज दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग जरूर जाइएगा.
वो पेज लाइक करिएगा। एंड सेकेंडली इनके लिए मैं एक कवर वीडियो कर रहा हूँ, वो भी आएगी ज़रूर, आप लोग उसको भी आके देखिएगा, लाइक करिएगा उसको और शेयर करिएगा। एंड सेकेंडली ये है कि शोएब भाई जो है काफ़ी कितना टाइम आप लोगों को इसको मोटो मैनिक को हो गया है? ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर हो गया, एक साल से ऊपर माशाल्लाह से इन लोगों को हो गया। एंड थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना टाइम दिया, दैट वाज रियली अ बिग ऑनर फॉर मी। गाइस इनका चैनल है, ये जो है व्लॉग्स बनाते हैं, ट्रैवलिंग के ऊपर भी बनाते हैं और उसके अलावा जो है मतलब जो प्रॉपर वर्कशॉप्स हैं बाइक के उनके ऊपर भी बनाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा एक भाई से तो मिलवाया नहीं आपको मैंने, जो हमारे वीडियो एंड करते हैं वही भाई नहीं आए तो फिर क्या फायदा मिला? हमसे भाई साथ है, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट बहुत अच्छी तरीके से, खापा वापा सब मारे सबने। ये हमारे विकी भाई, उन्हें धुएं मार रहे हैं, वहाँ मैं नहीं हूँ। और हमसे भाई सब साइड अल्लाह का शुक्र यार, बहुत मजा आ रहा है। आज जो है वो मोटो मैनिएक की ग्रैंड ओपनिंग है, रिलोकेटिंग ग्रैंड ओपनिंग है, और जो नहीं आए वो पछताएंगे, जो आ गए वो मजे ले रहे हैं। जो बात है, मजे ही मजे, मजे ही मजे। अगर आप यहाँ देखें तो बिरयानी ही बिरयानी, बिरयानी ही बिरयानी। अच्छा अगर उधर देखें तो बलून ही बलून, बलून ही बलून। इस तरफ देखें तो लोग ही लोग, सीन चल रहा है। मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हमें यहाँ पर एक इंजॉयमेंट करने को मिला, लोग आ रहे हैं। और सेकेंडली मैं कुछ कुछ बीच में अपना इंटरव्यू भी लेता रहूँगा जो लोग हमारे जिनकी वजह से हम सब इसके अंदर आए बाइक के लिए और टूर के लिए हम लोग जाते हैं, तो उन सब का भी मैं ज़रूर अभी इंटरव्यू लूँगा फॉर श्योर। सो शेड्यूल पहले जिनसे आपको मैंने बात करानी थी वो हमारे शिजा मिर्जा, शिजा मिर्जा है और मेरा ताल्लुक कागबेट से है। मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं टूर करते करते। सो ही इज़ द रीज़न कि आज हम जितने टीनेजर्स हैं क्यों हम लोग ट्रिप्स कर रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, द रीज़न ही इज़ द गाय व्हिच इज़ द रीज़न फॉर अस ना। सेकेंडली आप हमें ये बताएं थोड़ा सोचा भाई कि आप कौन सी बाइक यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ गए हैं आप, कौन सी जगह सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी थी आपको जाने में? मेरे पास सबसे पहले यामा वाइबीआर थी, वो अप्रॉक्सीमेट मैंने 50,000 किलोमीटर से ऑल ओवर द पाकिस्तान से घूमा। ग्रेजुअली उसमें थोड़े इश्यूज आ गए थे तो उसको मैंने एक अपने एक आइकन की तरह एक अपने घर में रखा हुआ। अब मैं GS 150 राइड कर रहा हूँ और मोटरसाइकिल राइडिंग के वजह से आपको ये कहूँगा कि जब आप राइड करें तो आप क्वालिटी गियर्स पे इन्वेस्ट करें। आप क्वालिटी गियर्स जैकेट्स हो गई आपकी, आपकी हेलमेट्स हो गए, नो मैटर वॉट आप ब्रांड चूज़ करें, लेकिन क्वालिटी गियर। मैं पर्सनली एनएसटी यूज़ करता हूँ और एयरलाइन जैकेट है नी गार्ड्स वगैरह, ये हम सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। दैट्स राइट। एंड सेकंडली इन सब चीज़ों से आपको ये है कि एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है आपको राइड करने पे, एंड सेकंडली आपको डर जो होता है वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो ये बहुत सही बात और बहुत अच्छी बात करी शुजा। इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इससे आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी बाइकर्स को खासतौर पर और ज़्यादातर जो ग्रेड्स होते हैं अपने आपकी जो नॉलेज है खासतौर पर आप इन सब्सक्राइबर से आप इससे हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। व्हाट्सअप गाइस, आई एम सो सॉरी मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाया था अपने उस टाइम पे, जस्ट बिकॉज मैं मोटो मैनिएक का ग्रैंड ओपनिंग का शूट कर रहा था, बट नेवरदलेस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड येस आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर अपडेट, सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रिव्यूज ऑफ बाइक्स जो हम लोग पाकिस्तान में राइड करते हैं, उनके मैं अच्छे रिव्यूज़ बनाना स्टार्ट करूँगा। एंड प्लीज़ आई नीड योर गाइस सपोर्ट ऑन दैट टू, सो प्लीज़ यू मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, come in and like on my video, and I will see you on the next one. Till then, bye bye, signing off, Mr. Ray, Allah Hafiz.